अपनी पोजीशन ऑफ प्ले करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि आपको नोटिस किया गया, और उस नोटिस का जवाब जो था वो जो स्पीकर जो था उसने उसका नोटिस देने के बाद आपको सुना, और सुनने के बाद उसने अपना फैसला दिया, तो क्या आपको जो है वो टाइम नहीं मिला, और कितना टाइम आपको चाहिए? लेकिन उसके ऊपर वो अपनी बात नहीं रख सकते, और आपको पता है कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ना तो तुम वोट दे सकते हो और ना ही वोट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ना खड़े हो सकते हो, और जो इनका डिसीजन जो है उसको उन्होंने अगली हेयरिंग जो है वो दे 6 मई को दी, क्योंकि हमारा जो चुनाव है हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो है वो सबसे लास्ट 7th चरण में है, तो उसको देखते हुए इन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर, और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा जो है वो सामने आ गया कि ये प्री जो है वो आयोजित कार्यक्रम था, और इन्होंने ही इनको जो है इंस्टिगेट किया, और इनको जो है वो वोट ना दे करके अपना मत जो था वो क्रॉस वोटिंग की, और उसके बाद जो है वो बिल जो पास होना था मनी बिल, और जो सदस्य जो हमारी कटौती प्रस्ताव पास होने थे उसमें उन्होंने वोटिंग नहीं की, तो ये सुचोचित सारा कार्यक्रम था जिसका असली चेहरा जो है ये सामने आया, और इनके जो वरिष्ठ लोग हैं और वो भारत सरकार में जो होम मिनिस्टर है उसने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, जगह जगह के ऊपरी कोटा खंड में लेकर के गए, और इस तरह से करोड़ रुपया जो है वो इनके रहने का जो है वो खर्चा जो है वो फायदा घोषणा में किया गया, और एक घिनौना काम जो है वो इन लोगों ने किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी इंतजार के सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल फैसला नहीं आया, और इन्होंने जो है वो अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, और अपने पार्टी में इसको जो है वो उन्होंने सम्मिलित कर दिया, जबकि इलेक्शन में कोई भी पार्टी जो है अगर इलेक्शन हो गया तो बहुत फ्रेंड इलेक्शन होनी चाहिए, उसमें कांग्रेस पार्टी के पास अभी बहुत मत है, और हमारे पास अभी भी 3400 विधायक जो हैं वो बहुमत हमारे पास है, लेकिन इन्होंने ये घावना देश दे सकते बाई इलेक्शन की तरफ जा रही, और 7 जो एक्सपेल किए गए हैं उन 7ों को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है, और इस तरह से उनको जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने में कैंडिडेट जो है उनको लेकर के जगह जगह जो है वो अजहरियाँ कर रहे हैं, और उनका चेहरा जो है उसको दिखा रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी। अब भारतीय जनता पार्टी में भी काफ़ी जो पहले के इनके जो कैंडिडेट रहे हैं उनमें भी काफ़ी जो है वो रिप्रेजेंटेड है, और उनको भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जो है वो अपना ऑब्जेक्शन है कि हम जीते थे इनके वर्कॉप और ये कैंडिडेट बन के आए, अब ये रोना धोना जो है वो शुरू किया हुआ। हमें बड़ा अफसोस है कि जहाँ का जो प्रत्याशी है मिस्टर सुधीर शर्मा, बड़े लंबे समय तक इनके पिताजी इनामू कांग्रेस पार्टी के बीच में, मेरे साथ भी वो मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री रहे, हम बड़ा मान सम्मान करते थे, और कांग्रेस जो थी वो शुरू से जो है वो उनको जो है वो राजा वीरभद्र सिंह के वक्त में भी और डॉक्टर भाई कुमार के वक्त में भी बहुत मान सम्मान मिला, डॉक्टर रामलाल के बहुत मान, और उसके बाद सुधीर शर्मा की जो सीट की थी वो रिजर्व हो गई, और श्री वीरभद्र सिंह भी उस वक्त स्वर्गीय हमारे मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त जो है वो जहाँ से लोकल प्रत्याशी को ना लेकर के जी शर्मा को कांग्रेस पार्टी में जाने थे, और हम सब लोगों ने मिलकर उस वक्त जी शर्मा को जिताया और जहाँ से बन गए। आगरा जब चुनाव आया पार्लियामेंट के चुनाव के लिए हमें कहा कि सुधीर शर्मा जो है सबसे बड़ा
अच्छा चेहरा है उसको उतारो। और उसने पानी पीट के लक्ष्मण बैक ऑफ ले दिया और खुद पीछे हो गया और यहाँ से पवन काजे को खड़ा किया। जबकि पवन काजे की अभी तक भारतीय जनता पार्टी से वाया ही था और वह भी एसोसिएट मेंबर भी कांग्रेस पार्टी का नहीं बना था, वो तो कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट जीती है और कांग्रेस पार्टी ने उसको अपना एसोसिएट मेंबर बनाया, उसको जो है वो आगे कांग्रेस पार्टी में लेकर के उसको टिकट दे दी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हारी। अगला जो बाई इलेक्शन जब आया यहाँ से किसी को पूछी जो है वो MLA बन गए, MP बन गए और बाई इलेक्शन आ गया। हमने सभी ने यूनिवर्सली फैसला किया कि इनको यहाँ से खड़ा करो, क्योंकि जी शर्मा जहाँ से पाए एक बार MLA बन गया दोबारा, उस बार जो उन्हें बैकआउट कर दिया और बलजिंदर करण को जो है वो यहाँ से हमने प्रत्याशी बनाए। और उस वक्त भी इन्होंने जो ऑफिशियल कैंडिडेट था कांग्रेस पार्टी का उसको जो है वो सबोटाइज किया पूरा इलेक्शन और जान से भारतीय जनता पार्टी। इस बार मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, श्रीमती सोनिया गांधी बिल्कुल इसके हाथ में नहीं, उसको पता था कि ये आदमी जो है ये अराइवल नहीं है और उन्होंने इसका जो है वो फाइल जो थी वो पहली बैठक में क्लियर की। जब दो तीन बैठक होंगे तो श्रीमती प्रतिभा सिंह ने मुझे कहा कि चंद्र कुमार जी आप जो है वो हमारे साथ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और सारे बैठक आप प्रेसिडेंट हैं तो आप मेरे साथ करिए और कोशिश करेंगे इसकी बैठक क्लियर करने का। और हम वहाँ पर गए जो प्रिंसिपल शक्ति था श्रीमती सोनिया गांधी का उसको जो है वो धन्यवाद दिए और हमने इसका पूरा केस प्रेट किया। हमने कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, आपको इनका कैंडिडेट प्रेट करवा और इस बार भी इनका कैंडिडेट प्रेट करेगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज जो राशन लगा रहा है जहाँ से जो रोहित शर्मा है कि कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस कर रहा हूँ, कितने टाइम तक ये मंत्री रहा है आपके जहाँ का धर्मशाला का, उस बार कांग्रेस में घुटन महसूस नहीं हुई। इसके कहने के ऊपर डॉक्टर जी महेंद्र सिंह ने चीफ इंजीनियर जो आप PWD लगाया, चीफ इंजीनियर IPA लगाया, चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी लगाया, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने लेकर के आया और सबसे बड़ा महकमा जो है वो सुधीर शर्मा को दिया, तब तो घुटन महसूस नहीं हुई। और जब इस बार जीत के लिए तो उनको घुटन महसूस हो जाए कांग्रेस पार्टी, बड़ी शर्म की बात है। मैं तो अपील करूँगा जितने भी हमारे धर्मशाला के जितने भी सिंधकाल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अच्छे स्टेट्समैन हैं, सारी पब्लिक है कि ऐसे आदमी को रास्ता दिखाइए जो बार बार आया राम गया राम का पाठ पढ़ते हैं और पार्टी को नेशनल पार्टी को विराम करते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इसको ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का ये सेक्रेटरी रहा, 30 स्टेटों का इंचार्ज रहा और आज कहता है कि कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। हम तो बड़े लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को जब जरूरत थी लीडर की तो ये लोग जो हैं वो पीठ दिखाएंगे, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इनकी जमातें जब पूरी करेंगे, कौन सा काम ऐसा है आज भी मैं बता दूँ जितना यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे IPS विभाग है, चाहे PWD विभाग है, चाहे आपका स्मार्ट सिटी का जो CEO वगैरह जब लगे सब इसके हो गए। मेरे सामने जो है वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने उनकी अपॉइंटमेंट की और हर काम उसका किया है। अगर मंत्री बने लोग मंत्री नहीं बन सके तो इसका मतलब कांग्रेस पूरी जमात है, अगर कांग्रेस से जो आप लोगों ने नफरत हो रही है। मुझे बड़ा अफसोस है आप लोगों के पास जाकर के रोना धोना करना, आप अपना शहर रखो लोगों के सामने कि किन परिस्थितियों में आपने कितना पैसा लिया, किन लोगों ने कितना कितना पैसा लिया इस कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए, उसका लेखा जोखा लोगों के समक्ष बताओ। आप दूध के धोए नहीं है। मैं बड़े लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूँ और मैं एक एक बात जानता हूँ लोगों के बारे में, जहाँ 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 कारण उन्हें प्रॉपर्टियाँ बढ़ाई हैं। अब जब चुनाव होंगे तो उनको हम जाएंगे रास्ता दिखाएंगे कि आपकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी हैं, कहाँ कहाँ आपके होटल स्ट्रक्चर हुए हैं,
कहाँ कहाँ से पैसा कहाँ कहाँ गया है, ये पूरा आंकड़ा जो है वो हम दिखाएंगे। ये आज लोग जो है वो घिनौना काम करके अपने आप को जो है वो सच्चा सुच्चा सिपाही, आज उनको घुटन महसूस हो रही है। अपने गिराबार में झांक करके देखें आप कहाँ थे और कहाँ थे और आज कहाँ है। कम से कम आप वफादारी से जिस पार्टी में रहो, वफादारी से रहो, ईमानदारी से रहो, निष्ठा से रहो। हमें बड़ा अफसोस है कि मैं इसके बाई इलेक्शन में भी जो हूँ, पहला बाई इलेक्शन भी हार गया था बैजनाथ में, दूसरे बाई इलेक्शन में मैं गया हूँ उसको, उस वक्त से जीता है। जितना काम मैंने इसके पहले इलेक्शन में जहाँ पर किया था, मैं अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ करके जहाँ से नीच भर्ती चुनाव लड़ता उसको छोड़ कर मैं इसकी भर्ती के लिए आई थी और मुझे अपने लोगों में जाना पड़ा। अब हम इनको दिखाएंगे आईना, कांग्रेस पार्टी एक जुट है यहाँ, जिस किसी को भी टिकट मिलेगा हम जो है वो स्थानीय से बैठने वाले नहीं है। मैं बताऊँगा आपको, मैं खुद बैठूंगा इस विधानसभा क्षेत्र में, उसको दिखाऊंगा चुनाव क्या होता है। और जैसे आप मुख्यमंत्री के ऊपर दोषारोपण कर रहे हो, मेरे काम में तो कौन सा काम रह गया इनका, मुझे वो कहिए कौन है ट्रांसफर का काम होता है, ये हमारे काम भी नहीं होते, छोटी मोटी ट्रांसफर की बात है। जितने प्रोजेक्ट है इसके कहने के ऊपर मैं पिछली बार जब मुख्यमंत्री ने हाथ दूर रखा तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फॉरेस्ट मिनिस्टर कौशल लगा हुआ था, वहाँ पर कोई पहाड़ तो बन गया था, उससे पहाड़ को थोड़ी अनदेखी की थी, वो पहाड़ खराब हो गया, मौके को पर गया। उसी बात सुकू ने कहा कि आपने इस पहाड़ को दोबारा ठीक करो, और तीसरे दिन जो था कौशल को यहाँ से बदल और यहाँ से कंजर्वेटिव फॉरेस्ट को हटा दिया और दूसरा कंजर्वेटिव फॉरेस्ट यहाँ पर लगे। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा क्या होता है, क्योंकि एमएलए का मान सम्मान किसी की मजबूरी होती है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि 12% से ज्यादा जो है मंत्रिमंडल के एक्सपेंडिचर नहीं हो सकते, वो कोई जरूर अभी भी मंत्रिमंडल में कई जगह होती है इंसान को, पर यह कह रहे हैं कि मैं खुजल महसूस कर रहा हूँ, मेरे काम नहीं हो रहे हैं, कौन सा काम है जो मुझे बताइए धर्मशाला का। आज जितना भी बजट स्मार्ट सिटी का है, अगर उसकी पूरी इंक्वायरी की जाए तो मैं देखता हूँ कि चंदीट के जंगल बनाए हुए हैं यहाँ पर, आपका ओवरलैपिंग हुई है कई कामों की, पीडब्ल्यू के पैसा भी वहाँ लगा होगा, स्मार्ट सिटी का पैसा भी वहाँ पर लगा, एक एक काम डबल पैसा उसके ऊपर लगा होगा, करोड़ रुपया जो है वो जहाँ इन्वेस्ट किया गया इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, हमें देखो जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं अभी तक कई काम सड़कों से भी जुड़े, कई पानी की सुविधा नहीं है। मैंने अपने वक्त में जब मैं मिनिस्टर था एजुकेशन पब्लिक हेल्थ का, ये सीवरेज का काम उस पर हमने शुरू किया, वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए करोड़ रुपया हम जो है शुरू किया। तो ये क्या देना कि मेरा काम जो होता है लोगों के सामने, अब क्या ड्रामे किए जा रहे, आज मैं अपनी खुराबात से बात नहीं आता है, अब धर्मशाला के लोगों ने उसको नकार दिया है, वो उसकी मीटिंग में नहीं जा रही है, आप जो है कुछ जो है बैंगनाथ के आदमी बुला रहे हैं, कुछ जो है वो कांग्रेस के लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ पर उनको हार पहुँचा रहे हैं, और वो खुद ही बीजेपी के पहले उनको कहते हैं बीजेपी में महंगे लोग जो है वो कांग्रेस के बीजेपी में आ गए, इस पर कांग्रेस गाँव में कहते बढ़े। इसे मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भगौड़े हैं आयाराम दयाराम हैं, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी की पहली नज़र है, और इन चुनावों में हम इनको शीशा दिखाएंगे कि आपकी तरली और तकली में क्या फर्क। और मैं ये भी कह देता हूँ सुधीर शर्मा को, ये मेरे लड़के की उम्र का है, हम जो इस परिवार का बड़ा रिगार्ड करते थे, लेकिन जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस प्रकार के आरोप निराधार आरोप लगाना मेरे काम के होते हैं, मैं खुद महसूस करता हूँ। हम लीडर बना करके देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और वहाँ पर जो बौने होते हैं, वहाँ पर जो लेबर का काम करते हैं, हमारे पास लीडर हम इनको बना के भेजते हैं। आप देखो आपकी जो लीडर बना के हमने भेजा उसका सामने देख लो, कांग्रेस के विधायक की क्या हालत है, आप देख लो बल राम सिंह जी जो था वो लीडर बना करके कांग्रेस पार्टी ने भेजा, वो तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था मध्य प्रदेश में, आज जगह जगह जो है वो वहाँ पर जो है वो अपनी पार्लियामेंट्री क्षेत्र की
जो है वो खाक जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आप उसको पार्लियामेंट का टिकट दिया कि आप जाकर के चमगढ़ वाइस पर दोबारा वोट मांगो, वहां जाकर के ये जो है वो अपने जो है वो हौसले लगाते हैं, वहां जाकर के जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेवा करते हैं और जहां कर जाकर के लीडर बनते हैं कांग्रेस पार्टी में। आप भारतीय जनता पार्टी को सिखाई थी राजनीति क्या होती है, अब ले आ रहे भारतीय जनता पार्टी में, मैं इसको दिखाऊंगा कि 10 साल के बाद यही क्या करतूत होगी और 10 साल के साथ फिर ये दोबारा हाथ जोड़ करके आएगा कि जनाब मुझे यहाँ जगह दे दो कांग्रेस पार्टी में। तो है बहुत से लोग यहाँ तो वापस आए हैं, वहां देख लो लालसी की क्या होती है, मेरे इसमें जम्मू में ईडी की और सीबीआई ने उसको अपने ठोका, तो आप दोबारा वापस कांग्रेस पार्टी में आए, ये सारे वापस आएंगे। मैं आपको बताऊँ आज तो इनको जो है वो कांग्रेस पार्टी बुरी जमात लग रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सिक्किम है कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है मान अदब के साथ एमएलओं की या जो हमारे पार्लियामेंट के मेम्बर होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे भी बड़े लंबे समय तक जो है वो इस पार्टी में रहने का मौका मिला एज ए सांसद, एज ए मिनिस्टर, एज ए एमएलए। हमने तो कभी रिजर्वमेंट नहीं की, हमारी जो ड्यूटी लगी हमने कहा बड़ी इच्छा से हम इसको लगाएंगे और मुझे बड़ा शर्म आती है। आज जितने हमारे ये 6 लोग भागे गए हैं, बैकग्राउंड देखो सारे कौन है, ये सारे देखो क्या है, कांग्रेस पार्टी में चलने के लिए आए बंदे, अब तो घोड़े बने हुए हैं और रो रो करके बड़ियाली प्रधानमंत्री के लोगों को जो है वो ये करने के लिए कि जी हमारे साथ देख सकते कौन सी देख सकते उनके साथ कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान मिलने के बावजूद तुम इस प्रकार का कर रहे हो। तो मैं इसलिए आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इंसानियत को जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया नहीं है और पहले भारतीय जनता पार्टी की माड़े जो अपने घरों में डाल करके पटे डाल कर घूम गए, हो सकता है कि जो इनका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट बिल्डिंग पता नहीं क्या आता है, अगर जिस लाइन के ऊपर उन्होंने पिछला बिल्डिंग किया इस लाइन के ऊपर नई बिल्डिंग आ गया तो ये वैसे भी डिमांड हो जाएंगे चुनाव लड़ने, फिर किसके पास जाएंगे, फिर किसकी झोली में जा करके बोलेंगे। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अभी तक कांग्रेस पार्टी के बहुत मत है, ये जितना भी जो है वो इधर उधर जा करके आया राम गया राम कर ले, लेकिन इनकी बात जो है वो बनने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी सीटों के ऊपर बड़ी जल्दी से प्रत्याशी जो है वो घोषित करने जा रही है और हम जो है वो सारे एकजुट होकर पूरी कांग्रेस पार्टी चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, जो जिम्मेवारी हमें मिलेगी हम निष्ठा से ईमानदारी से जिस कैंडिडेट को हम जा सकते करेंगे उसके पीछे चल करके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। मैं इसलिए भी आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में फटा डाल करके जो है वो लीडर नहीं बन जाते हैं, ये वहाँ पर वही काम करेंगे जो मैंने पहले बताया कि जैसे लाल सिंह करता था, माधोराम सिंधिया करता है, चित्र प्रसाद करता है, ये लोग भागे हुए थे आज इनको क्या रहता वहाँ पर, आप इनको दोबारा करते चुनाव लड़ो फिर आओ दिल गाने के वो तो पोस्टर बॉय पहले जो है वो वहाँ पर जो है वो हमारे झंडी जो काम करके आओ, हम लीडर बना के भेज रहे इनको और वो इनको जो है वो नीचे रखते पिछले के नाम में वहाँ करते बैठेंगे वहाँ। तो ये 4 बातें मैंने आपसे करनी थी, मैं इसलिए आ गया था कि इनकी जो स्टेटमेंट आई थी कि जी मेरा जो है वो कमल हो रहा था, मेरा जो है वो बात नहीं सुनी जा रही थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी जो सरकार जो थी इसके मुख्यमंत्री थे मिनिस्टर ने कोई काम ऐसा नहीं जिसको जो इसके ऐसे में उसके लिए नहीं किया, और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के वक्त में आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा राइट शेयर जो था बजट का वो आपके धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी में है और यहाँ पर जितना चीफ सेक्रेटरी सब इन लोगों के कहें, हमने तो कभी ट्रेंड भी नहीं किया, हमें तो मेरा ठीक है जो बजट हो गया ठीक है, हम भी कोई रिपोर्ट कर सकते थे, मेरे से ज़्यादा इसलिए आदमी कौन है जो रिपोर्ट नहीं कर सकते, एक आम पार्टी के पक्के सच्चे सिपाही है ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम पार्टी को चुना, यही सबसे बड़ी चीज है। तो ये चल पा सकता है आज नेता प्रतिपक्ष भी करते हैं राष्ट्र प्रथम अभिनंदन समारोह उन्होंने किया सुधीर शर्मा को लेकर और पर्चे भी करवाया है कार्यकर्ताओं से, उन्होंने तो ये कहा है कि 4 जून को न केवल केंद्र में
पश्चिम प्रदेश में भी जो है वो उनकी सरकार होगी। वो शक्ल देख लेंगे अपनी जात उनको कैसे रखते हैं। भागी जो होते हैं पहले दो साल का प्राइम मिनिस्टर अगर बहुत पावरफुल है तो दक्षिण भारत में तो भीख मांगने जा रहे हैं, एक कंस्टिट्यूशन में एक एक गरीब कुत्ते में क्यों घूम रहे हैं। इसको डर है ना कि हम आने वाले नहीं, अभी तो भागे हुए हैं, अभी ईडी का प्रयोग करो, कभी सीबीआई का प्रयोग करो। और जितने मैंने उससे भी आपको प्रेस में दिखा था, मैंने कहा कि जितने भी चुनावी बॉन्ड जो इन्होंने उसमें से पैसा इकट्ठा किया, बड़े बड़े जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स के और कॉरपोरेट सेक्टर्स के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके गलत बोझ करके उनसे पैसा लिया। अब मुझे पता डी एल एफ के ऊपर उन्होंने केस किए, डी एल एफ में देखा वो रॉबर्ट पटेरा का शेयर था, उसके ऊपर उन्होंने केस दर्ज कर लिया और उसी डी एल एफ से करोड़ रुपये उन्होंने लिया, उनसे करोड़ रुपया लिया वो बॉन्ड्स में और उससे पैसा लिया। तो जितने कॉरपोरेट अभी जो आपका नवीन जिंदल जो भागकर के किया है वो भी उसको भी ईडी के छापे हैं, उसको भी ये जो आभास था कि उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लेना है क्योंकि उसके पास जो है वो कोर्ट ब्लॉक है, तो उसके पीछे भी ईडी और सीबीआई भी जितने भी कांग्रेस के समर्थित लोग हैं, मैं आपको 50% से 60% जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो मजबूरी से गए, उनके पीछे कांग्रेस को कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके घर जो है उसको कब करके उसे पैसा वसूल कर रहे हैं और किस तरह से उनको जुड़ाव करते हैं कि जाओ तो जेल जाओ नहीं तो हमारी पार्टी में सर। तो क्या लगता है ये भी इनके गले में इनके भी लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं कि खुद मौजूदा सरकार नेता होगा कि भारतीय जनता पार्टी को किस बड़े नेता क्या ईडी का और सीबीआई का कौन सा छापा पड़ा है एक बता दो, कोई बता दो सारे हिंदुस्तान में कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो बीजेपी का कार्य है जिसके ऊपर इस ऐसे कॉर्पोरेट करोड़ों रुपया जो उन्होंने फंडिंग किया है उनके ऊपर कोई जो है वो कोई छापे पड़े। मैं आपको बता दूं जो कुछ अकाउंट्स में जो है वो पैसा जिन लोगों को ने जो है इनसे वसूल किया है, और मैं बता दूं आपको कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटेगी वो भी अंतर होंगे, जिन जिन लोगों ने इनको पैसे दिए जिन जिनको दिए हैं वो भी संभालने की बात है। ये बताओ कि इनका जो चेहरा वो बेनकाब तो होगा, आपको क्या जरूरत पड़ी है कि उनके पीछे आप होटल बुक करो, उनके पीछे आप जो है वो चार्टर प्लेन रखो, उनके पीछे जो है वो आप जो है वो पैरा फोर्सेज उनको प्रोटेक्शन के लिए घरों में लगा, उनको कौन उठा के जा रहा है? हमारे तो कोई उनको मिलने नहीं गया ना किसी ने उठाया, कि जो है बाढ़ में यहाँ जाते हैं जाए, इनको क्या जरूरत पड़ी है? इनकी तो सरकार भी बनने वाली नहीं है, इनकी सरकार भी बनने वाली नहीं है। ये जो ड्रामा रच रहे हैं कि आगे देख लो कि इनका कोई ड्रामे से आप भी बता लो, हम पढ़े लिखे मैंने मुझे बताओ कि इनके पास टारगेट नहीं, अगर पश्चिम में से जो तीन के भी प्लान जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे, वो तो स्पीकर की जो भाव रहे उसकी एक्सेप्ट करें करे ना करे। कांग्रेस पहले जैसी पार्टी नहीं है, वो कह रहा है क्या कांग्रेस में सर आप उसको बोला कि आपने बापू से पूछा था तो कह रहा था चला जाके पहले वही वो कहा था उसको यही कांग्रेस है। लेकिन इस प्रकार के दगाबाज इस प्रकार के धोखेबाज इंसानों की कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी अच्छे साफ सुथरे लोगों की ऐसे लोगों के लिए अच्छे जिनकी जो है वो अंतरात्मा जो है वो हमेशा जो है वो खुराफात करने में रहती है, ऐसी कांग्रेस पार्टी चेहरा है पुराने करदा हुआ लीडर है, तकलीफ को भी जानते होंगे। एक बात बताइए, ये जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है जाति सर्टिफिकेट हर एक साल के लिए बनता है, क्या एक साल के बाद ओबीसी की जाति चेंज हो जाती है? व्यवस्था परिवर्तन उसमें कई बार जाता हूँ, पहले कुछ लोग नौकरी में चले जाते हैं आपको क्रीमी लेयर से बात चले एक बजे या एक भी है अपने एक बार जो सर्टिफिकेट बन जाता है उसको तीन चार साल के बाद क्या 3-4 साल के बाद जाति चेंज हो जाती है? जाति का नहीं होता है, उसका इनकम से
ओबीसी का सर्टिफिकेट सिर्फ एक साल के लिए वैलिड होता है। जो स्टूडेंट उसके परिवार का कोई और भी सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट 16-17 साल की एज का है उसकी कौन सी इनकम बढ़ जाएगी या जो के लिए अप्लाई करता है तो साल बाद उसका नहीं, इसके लिए आपने ओबीसी की तरफ से कितनी आवाज उठाई आज तक? अगर इसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। आप ओबीसी के लीडर है तो आपको ये चीजें तो ध्यान होनी चाहिए। इसके बारे में नहीं, मुझे दूसरा बता दे हम कितनी रजिस्ट्रेशन की। ओबीसी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है? नहीं, क्यों आप मुझे बताइए ना कि 25% जो हमने रिजर्वेशन कार्ड से कर रहे हैं ओबीसी की लिस्ट में देखिए आप कितनी वो जाति आज वो 45-46 तक बढ़ गई है। 5% रिजर्वेशन हमने भारत सरकार ने दी तो उसमें जो क्रीमी लेयर है उस क्रीमी लेयर को भी हमने बढ़ाया। पहले 3-4 करोड़ डिग्री को बढ़ा करके हमने 8 लाख की उसको हमने 4-4.5 लाख तो कई बार जो है वो क्रीमी लेयर जो है वो सब बदलते रहते हैं तो कई बार लोग खराब उस पर आ जाते हैं तो उनको जो है जो क्राइटेरिया वो सर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आए थे हिमाचल के लिए सुखो जी 30 करोड़ जमा नहीं करवा पा रहे हैं। आप कांगड़ा के मंत्री हैं और वरिष्ठ लीडर भी हैं कांगड़ा। देखिए मैं आपको जब हम यूनिवर्सिटी लेके आए थे तो उस वक्त सारे हिंदुस्तान में 12 यूनिवर्सिटी और हर यूनिवर्सिटी को 25-25 करोड़ हमारे भी यहाँ छोटे से सेंट्रल की यूनिवर्सिटी मिली मध्य प्रदेश तमिलनाडु बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन को उस वक्त हमने कहा कि पूरे का पूरा कैंपस जो है और उसके बाद क्या हुआ कि हमारी सरकार सदस्य चली गई और उस वक्त जो है वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और मोहन जान से जो है क्योंकि उस वक्त जो चंदेल जो था उसको पैसा लेने में उसने जाकर के पूरे का पूरा ताना बाना यूनिवर्सिटी का खराब कर दिया और उसने बिल पर आगे कहा कि इसका कैंपस जो था आधा कैंपस जो है वो डेरा में होना चाहिए और सारा जो है वो धर्मशाला होना चाहिए। मैं उस वक्त भी कहता था ये हमारी सरकार सत्ता में थी कि हमको बना लो यूनिवर्सिटी को बाद में आप लोग खींचता हूँ। उसके बाद दो बार शांता कुमार को मौका मिला सेंटर में उससे इसके ऊपर जो आप शांता कुमार की स्टेटमेंट क्या थी यूनिवर्सिटियों के लोकेशन का कहाँ बने नहीं बने ये हमारा पोलिटिकल लोगों का काम नहीं है ये एडमिनिस्ट्रेशन देखता है ये जवाब था उसका। शांता कुमार अब शांता कुमार भी अगर पूछते हैं हमको पता है कि यूनिवर्सिटी नहीं बनी अब लग जाएगा पता वोट मांगने जाएगा तो आपने क्या किया अपने पक्ष में ऋषि कपूर ने क्या किया अपने वक्त में राजीव सुशांत ने क्या किया वक्त में जो हम इंस्टीट्यूशन लेकर के आज तो उनसे संभाले नहीं गए। हम उस वक्त 125 करोड़ रुपया टाटा मेडिकल कॉलेज के लिए खरीद गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेकर गया उसके बाद फैशन डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूशन लेकर गया चक्की का ब्रिज था वो रिपोर्ट टाइम जो ये मेरी जरूरत नहीं उस वक्त की हमने कहा जल्दी बनाओ नहीं बना। हम ये कहते हैं कि जो विरोध है तो 30 करोड़ रुपया है कोई वो अमाउंट कौन सा है वो है सिर्फ एक्विजिशन का जमीन और फॉरेस्ट की एक्विजिशन का मैंने कन्वर्ट कर सकता कि ये हाइट साइड के ऊपर बना दिया इसको थोड़ा कम कर दो क्योंकि आपका जो ट्री उसका है उनकी क्वालिटी क्या है उनका साइज क्या है उसके अनुसार जो है वो जमीन जो है वो जितने की जमीन क्या जो है वो देखना उसके अनुसार जो है वो उसका मैंने बनना चाहिए तो मैंने कहा 10-15 लाख रुपया बनाओ ताकि सरकार उसको जमा करके 10-15 करोड़ का बनाओ जो उसको सरकार जमा करके करेगी इसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसको अक्सर आपने कहा बड़ा ही करा दे सर आपने कहा।